बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। 100 असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी कॉलेज के सामने सिवान। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के डोमना सती यहाँ सरयू नदी के तट पर है, जहाँ पर सिवान से आई एनटीली का टीम एवं पुलिस विभाग डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, जो हर जगह सुबह 5 बजे से ही छापेमारी कर रही है शराब बेचने वालों को पकड़ने के लिए। अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है, जहाँ पर लगभग 6 से 7 घंटा हो गया छापेमारी करते हुए। गुठनी प्रखंड के हर बॉर्डरों पर सुहागरा से यहाँ मेरौना होते हुए ग्यासपुर तीर बलुआ होते हुए अब यहाँ पर आए हुए हर जगह छापेमारी हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा बोतलें बंटी बबली की बिखरी हुई है, लेकिन मिल हर जगह रहा है, लेकिन पुलिस को हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग आज ही का यूज किया हुआ बंटी बबली है। यहाँ पर देख सकते हैं बोतलें बिखरी हुई है, और यहाँ पर पूरी टीमें यहाँ पर गाड़ियों से आई हुई आप देख सकते हैं, 5-7 गाड़ियों से एक साथ घूम रही है। अभी जो पुलिस विभाग है एंटीलिकर टीम की फोर्स है वो सब साथ में तट के किनारे गई हुई है, वहाँ पर जांच कर रही है। कहीं उधर से तो लोग लेकर नहीं आते हैं। परसों रात को उठा ले गया है सब। अब किसको बताए नहीं कि रात में उठा लिया सब, साइकिल हमारा इधर सब बैठ के पीता है सब। शाम को पूरा बैठ कर यहाँ पर भीड़ लग जाता है क्या? हाँ 10-5 लोग आते हैं इधर पीने के लिए। इधर से शराब भी आता है क्या? उधर से इधर रात में हिलाता है सब। हिलाता है कितने बजे? अब उसका टाइम कोई नहीं है, कभी 12 बजे कभी 1 बजे रात में। रात में आप लोग को मालूम है? नहीं रात ही में हिलाते हैं ये लोग, मतलब मालूम है, क्लियर है रात में हिलाते हैं। हाँ ये तो मालूम है रात में। यहाँ बैठ कर पीते भी है सब लोग? हाँ इधर ही बैठ कर पीते हैं। कितने बजे? यही लमसम 10-11 बजे तक बैठ के। कितने लोग होंगे? 5-6 लोग बैठ के पीते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुलिस टीम जहाँ आई है छापेमारी करने, यहीं पर शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास कई लोग यहाँ पर बैठकर पीते हैं, और उसके बाद रात में करीब 12-1 बजे के आसपास यहाँ से शराब पार किया जाता है नाव से। यहाँ पर कई जगह छापेमारी करने के बाद बॉर्डरों पर, अब यहाँ पर सीतलपुर बॉर्डर पर आए हुए बिहार बॉर्डर पे यहाँ पर जाँच होगी, और यहाँ पर मास्क की भी जाँच हो रही है कि लोग मास्क पहन कर आ रहे हैं कि नहीं। देख सकते हैं जो मास्क नहीं पहन कर आ रहा है उसका भी रसीद काटा जा रहा है, फाइन मारा जा रहा है। अब आइए यहाँ पर शराब की जांच हो रहा है हर बाइक को वगैरह को, डीएसपी साहब भी साथ में है, पीछे गाड़ी लगी हुई है डीएसपी साहब की, वो देख सकते हैं वो भी आ रहे हैं। अरे यहाँ पर हर गाड़ियों को अच्छा से इस समय जाँच किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आइए 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 यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार से यूपी में आएंगे तो बिहार में नीतीश कुमार, शराबबंदी, नशा मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार, लेकिन बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे तो हर गली मोहल्ले में शराब मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन पुलिस की छापेमारी में कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। यहाँ 5 बजे सुबह से आज पुलिस छापेमारी कर रही है, एंट्री लेकर की टीम सिवान से आई हुई है, डीएसपी साहब भी अपना टीम लेकर सिवान से आए हुए, लेकिन अभी तक एक बोतल भी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब देखते हैं यहाँ जांच हो रहा है कुछ मिल जाए, लगे रहिए हमारे साथ रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने जांच में, और वहां पर सीआई साहब अपना फाइन मार रहा है। ये देखा जाए मास्क के लिए कितना फाइन मारा जा रहा है, मास्क के लिए कितना फाइन मारा जा रहा है? 450 रुपये। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, और वहां पर देख सकते हैं बस की भी जांच हो रही है, बस निकल रही है, जितनी भी गाड़ी आ रही है इस समय रोककर उसकी जांचें की जा रही है कि कहीं भी शराब मिल जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सुबह 5 बजे से लगे हैं, इस समय 12-1 बज रहा है, 5-6 घंटा हो गया है, अभी तक हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। अब देखते हैं इस प्रयास में क्या मिलता है, बने रहिए। अगन जांच अभियान के बाद भी सुबह से चल रहा है, लेकिन अभी तक बॉर्डर पर भी, सिरकलपुर बॉर्डर पर यूपी बिहार का जो ये मेरौना बॉर्डर है यहाँ पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। डीएसपी साहब अपने घर को चले गए सिवान, और यहाँ पर अब जांच में भी थोड़ा ढीलापन आ गया है। अब चलिए ऐसे ही जांच चलता रहता है, शराब तो हर जगह मिलता है, लेकिन जांच अभियान में पुलिस की छापेमारी में हाथ कुछ नहीं लगता है। चलिए इसी के साथ में मनिंदर सिंह कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।